अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ कैफ अली हेयर फ्रॉम ग्लोव स्टूडेंट बिल्डर्स टीम लेजेंड। डे व्यूअर्स, आज मैं हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ बैजेट ऑन लॉर को लेके, जो कि नॉर्मली मैं हर 3 से या 6 महीने बाद अपडेट देता रहता था अबाउट प्राइस अपडेट के वाले से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर एंड तक देखिएगा। देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। डे व्यूअर्स, बैंड ऑन लॉर में आज हम प्राइस अपडेट के बारे में बात करेंगे। आज हम एक छोटी कैटेगरी पकड़ेंगे 5 मरला की, फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 10 मरला की डिटेल बताऊंगा। आज मैं आपको 5 मरला की डिटेल बताऊंगा कि 5 मरला की डिमेंशन उसी तरह होती है 25x45 और इसकी जो ट्रांसफर फीस है वो 1,12,380 रुपये है। अब हम आ जाते हैं कि 5 मरला बैंड ऑन लॉर में किस किस सेक्टर में है, किस किस ब्लॉक में है और कहाँ कहाँ पोजीशन अवेलेबल है और कहाँ कहाँ घर बन रहे हैं। डे व्यूअर्स, अगर हम शुरू स्टार्ट करें तो सेक्टर बी में अली उमर उस्मान थे, जब मोस्टली 8 मरला कैटेगरी थी, लेकिन यहाँ पर कुछ 5 मरला भी दिए गए थे। अब वो ऑलमोस्ट 95% डेवलप्ड है, ठीक है। वहाँ पर प्लॉट जो हैं वो ऑलमोस्ट जो है नॉमिनल से मिलते हैं। वैसे वहाँ पर जो प्राइस रेट है वो तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख से लेकर तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख तक है। फिर हम आगे आ जाएँ टूवर्ड्स सेक्टर डी की तरफ, तो सेक्टर डी में AA, BB, CC और EE यहाँ पर 5 मरला की कैटेगरी प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी थी, यहाँ पे अभी भी हैं, मौजूद हैं। यहाँ का जो प्लस पॉइंट है मेन, तो यहाँ पर मेन बुलेवार्ड पे मैकडॉनल्ड्स है, जो कि नॉर्मली जो पे बैरियटॉन आया होगा वो मैकडॉनल्ड्स जरूर गया होगा, उसने यहाँ पर AA, BB, CC देखा होगा। यहाँ पर जो प्लॉट की प्राइस रेंज है वो तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ 25-30 लाख तक है एज़ पर लोकेशन, और यहाँ पर गैस अवेलेबल है। सेक्टर बी में भी अली उमर उस्मान में गैस अवेलेबल है। अब हम आगे आ जाएं सेक्टर ई की तरफ, तो सेक्टर ई में जिना ब्लॉक और रफ़ी ब्लॉक हैं, जहाँ पे उसी तरह डायमेंशन 25x45 है और ये भी ऑलमोस्ट 75% डेवलप हो चुका है, काफ़ी घर बन चुके हैं। यहाँ पर जो प्लॉट की प्राइस रेंज है वो 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 15-20 लाख तक है एज़ पर लोकेशन। फिर हम आ जाते हैं सेक्टर एफ़ में। सेक्टर एफ़ में जी आ जाती है टीपू एक्सटेंशन, निश्ते एक्सटेंशन, शेरशाह एक्सटेंशन, गजनवी एक्सटेंशन, फिर तोहीद ब्लॉक, जो कि बिल्कुल एफ़ डॉलर के अपोजिट है। यहाँ पर नॉर्मली जो प्राइस रेट है 5 मरला का वो शुरू होता है 60-65 लाख से लेके एज़ पर कोई तकरीबन 1 करोड़ तक एज़ पर लोकेशन। फिर सेक्टर सी आ जाता है। सेक्टर सी में ट्यूलिप एक्सटेंशन है, हुसैन एक्सटेंशन है। यहाँ पर प्लॉट जो है 5 मरला के अराउंड तकरीबन मिनिमम शुरू होते हैं 75 से लेके ऑनवर्ड्स 110-120 तक एज़ पर लोकेशन। और फिर आ जाती है गोल्फ सेक्टर, गोल्फ फेज़ वन में, जिसको हम GVR फेज़ वन भी कहते हैं, वहाँ पर तकरीबन 65 से लेकर ऑनवर्ड 75 तक प्लॉट है एज़ पर लोकेशन। इसी तरह सेक्टर एफ़ में एक आलमगीर एक्सटेंशन ब्लॉक है, जो कि वहाँ पर 5 मरला अराउंड 65 से लेकर अराउंड 75 तक है एज़ पर लोकेशन। फिर हम आ जाते हैं सेक्टर जी। सेक्टर जी रिसेंटली कोई 6 महीने पहले लॉन्च हुआ था बैरी की तरफ से, 6 महीने के इंस्टॉलमेंट पर। यहाँ पर उन्होंने प्राइस रेट निकाले थे 5 मरला 50 लाख से ऑनवर्ड 55 तक एज़ पर लोकेशन। और फिर उसी रोड पे अगर हम आगे आ जाएं जाती उमर रोड पे, ऑर्चर्ड फेज़ टू एक्सटेंशन के बिल्कुल ऑपोजिट, तो सेक्टर एच लॉन्च किया था, वो भी 6 महीने के इंस्टॉलमेंट पे लॉन्च किया गया था, जो कि वहाँ पे प्राइस रेंज थी 5 मरला की अराउंड 55 लाख से लेके 60 तक एज़ पर लोकेशन। डी व्यूअर्स, ये मैं बड़ी एक नॉर्मल सी छोटी सी आपको डिटेल दी है, जो कि इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं 5 मरला के वाले से। तो बाकी मजीद मालूम के लिए इनसे दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। आज की सरमाकारी कल का मुनाफा।